रीवा के राजापुर गांव में पुल से कूदी मां और बड़ी बेटी। रेस्क्यू टीम को 16 और 34 घंटे बाद मिले शव। अभी भी 4 महीने की मासूम की तलाश जारी। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में। भोपाल नगर निगम संपत्ति के ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इस ऐप की मदद से लोग अपने कर का भुगतान आसानी से कर सकेंगे। इससे नगर निगम को भी कर वसूली में आसानी होगी। इंदौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अगले महीने मेट्रो ट्रेनों की ट्रायल रन शुरू करेगी। इस खबर से इंदौर के लोगों में काफी उत्साह है। मेट्रो ट्रेनों के शुरू होने से इंदौर में यातायात की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। जबलपुर पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की सोने की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से सोने के बिस्किट और जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये लोग सोना कहां से ला रहे थे और इसे कहां ले जा रहे थे। उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर कम हो गया है, लेकिन नदी किनारे कई मंदिर अभी भी आंशिक रूप से जलमग्न हैं। नदी के उफान पर आने से कई लोगों के घर और दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। ग्वालियर किले को दिवाली समारोह के दौरान 15 दिनों तक रोशन किया जाएगा। किले को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा और आतिशबाजी होगी। इस खबर से ग्वालियर के लोगों और पर्यटकों में काफी उत्साह है। सागर पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक सुनसान जगह पर लड़की को ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने लड़की को बचा लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सतना जिला प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जिले में 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य जिले में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण को संरक्षित करना है। छतरपुर पुलिस ने एक मंदिर की पार्किंग से कार चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मंदिर के सुरक्षा गार्डो ने पकड़ लिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से कार बरामद कर ली है। रीवा जनपद उपाध्यक्ष को पुलिसकर्मियों ने हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जनपद उपाध्यक्ष ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मियों द्वारा रोके जाने पर उन पर हमला कर दिया था। पुलिस ने जनपद उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। सीधी जिला प्रशासन ने बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य कुपोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कुपोषित बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने पर काम कर रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।